नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, लोगों को देने वाली कांग्रेस के पास नहीं अपनी गारंटी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लंबलू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लंबलू क्षेत्र का भरपूर विकास करवाया है, 5 वर्ष में सरकार चलाने में जनता सहयोग मिला है। कांग्रेस के कई नेता कई मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस ने कई गारंटी जनता को दी पर पूरी नहीं की। कांग्रेस की अपनी कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस ने 2012 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन मिला कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश में इस दिन से बारिश और बर्फबारी की संभावना, चुनाव से पहले करवट बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले मौसम बदलने के पूरे आसार बन गए हैं। मौसम विशेषज्ञों ने बारिश की संभावना जताकर सतर्क कर दिया है। बारिश के साथ जनजातीय जिलों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 5 अक्टूबर से प्रदेश में बादल उमड़ेंगे, ये क्रम 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जेपी नड्डा बोले, हम सेवा के लिए और कांग्रेसी मेवा के लिए करते हैं काम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये दोनों पर्यायवाची हैं। हम मिशन पर काम करते हैं और कांग्रेसी कमीशन के लिए काम करते हैं। हम सेवा भाव से काम करते हैं और कांग्रेसी मेवा खाने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या तो जेल जाने को तैयार है या बेल पर है। माँ और बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला शुरू। भगवान परशुराम की माता रेणुका जी से भावनात्मक मिलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला वीरवार को शुरू हो गया। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने देवताओं की पालकी को कंधा देकर रवाना किया, शोभा यात्रा की अगवानी भी की। मुख्य सचिव ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी, कहा कि ये मेला प्रदेश की लोक संस्कृति में अपनी एक अलग और अमिट पहचान रखता है। इसके प्रति हजारों लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास पर टिका हुआ है। उपेंद्र सुक्खू बोले, जुमलों से गुमराह नहीं होगी हिमाचल की जनता। कांग्रेस प्रचार कमेटी के प्रमुख सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा को तानाशाही वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि इसे गुजरात के दो नेता चला रहे हैं। भाजपा में अन्य किसी नेता को बोलने की कोई इजाजत नहीं, जो बोलता है उसे मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से हिमाचल आने वाले नेताओं के जुमलों से हिमाचल की जनता गुमराह नहीं होने वाली। सुक्खू ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात के दो नेताओं के हाथ की कठपुतली है। आबकारी विभाग ने जब्त की 53,594 लीटर कच्ची शराब। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभागीय टीम्स ने प्रदेश में 53,594 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया है। दोषियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का वितरण न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी एवं कार्यबल टीम्स अपने परिधि इलाकों में सजगता से दायित्वों को निभा रही है। ओल्ड करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस केवल ओल्ड करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी को तो खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा तक खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा खुद कह रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे, ऐसे में कांग्रेस नेता गारंटी कैसे दे रहे हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल से छीना था विशेष पैकेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास की तीव्र रफ्तार को डबल इंजन की सरकार ही बनाए रख सकती है। गुरुवार को पांवटा साहिब के ज्वालापुर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की पूर्व ने हिमाचल से विशेष पैकेज ही छीन लिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व में भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ी। पोस्टर लगाने पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट, क्रॉस एफआईआर हुई दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगडाह हलके में पोस्टर लगाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट का मामला सामने आया।
दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत पुलिस में देकर अपना अपना पक्ष रखा। पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चार को केंद्रीय मंत्री शाह गडकरी और सीएम योगी की जनसभाएं प्रियंका नगरोटा में कर जाएंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 4 नवंबर को जिला शिमला के रामपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जिला शिमला के रामलीला मैदान रोहड़ू में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 नवंबर को जिला कांगड़ा के नगरोटा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और थारू मैदान नगरोटा में जनसभा करेंगे। पंजाब के एटीटी टेट पास अध्यापकों ने रोका सीएम केजरीवाल का काफिला, पर्चे फेंके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोलन में रोड शो के दौरान खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी का विरोध करने पंजाब से आई ईटीटी टेट अध्यापकों ने केजरीवाल का काफिला रोक दिया। इससे पहले रोड शो के बाद पुराने बस अड्डे पर जैसे ही खुले कैंटर से केजरीवाल भाषण देने लगे तो इन अध्यापकों ने उन पर पर्चे फेंके। पर्चों में अध्यापकों की मांगे लिखी हुई थी। लिखा था कि पंजाब की आप सरकार 180 ईटीटी टेट पास अध्यापकों के साथ किए वादों से भागी। इन अध्यापकों ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिए। राजस्थान की जयसिंहपुर जनसभा में पीओके चाहिए के लगे नारे। रक्षा मंत्री बोले, धैर्य रखें, जल्द मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कांगड़ा के जयसिंहपुर, देहरा, सोलन के अर्की में चुनावी जनसभाएं की। जयसिंहपुर के चौगान में जनसभा के दौरान एक पूर्व सैनिक के साथ साथ जनता ने हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके वापस चाहिए के नारे लगाए। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि धैर्य रखें, जल्दी ही मिलेगा। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नीति और नियत से देश की राजनीतिक पार्टी से लोगों का विश्वास उठ गया था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद फिर से देशवासियों का भरोसा जाग उठा है। भाजपा के बलवीर वर्मा और कांग्रेस से विक्रमादित्य रपति जाने टॉप 10 प्रत्याशियों की संपत्ति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। इस बार चुनावी मैदान में 2 अरबपति और कई करोड़पति प्रत्याशी उतरे। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बलवीर वर्मा और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह अरबपति हैं। विधानसभा चुनाव लड़ रहे टॉप 10 करोड़पतियों में कांग्रेस के 6, भाजपा और आपका 1-1 प्रत्याशी शामिल है। घर से घास लेने गई थी महिला, अगले दिन पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव। घर से घास लाने के लिए गई महिला का शव वीरवार को एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान पूजा, 27 वर्ष, पत्नी सुरेंद्र निवासी ग्राम शवाला, तहसील नेरवा के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार महिला बीते 31 अक्टूबर को सुबह घर से घास लाने के लिए निकली थी। दोपहर को उसकी सास उसके लिए खाना लेकर उसके घर गई तो वो घर पर नहीं मिली, जिस पर उसने महिला की मां को फोन करके पूछा तो उसने बताया कि वो उसके पास नहीं आई है। कांस्टेबल अशोक का निकला जली हुई कार में मिला शव, फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से जुटाए सबूत। बीते मंगलवार की रात को बैरी पंचायत के जंगलेहड़ खड्डे में जली हुई ऑल्टो कार के अंदर जिस व्यक्ति का जला शव मिला वो हमीरपुर जिले की उप तहसील गड़ोड में संबंध रखता है। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस बटालियन जंगल बैरी में बीते करीब 3 वर्षों से कांस्टेबल के पद पर तैनात अशोक कुमार पुत्र बख्शी राम गलोड़ का रहने वाला था। बीते मंगलवार की रात को वो अपनी निजी कार में सोया था। बुधवार की सुबह जब उसकी तलाशी शुरू की गई तो उसका शव कार में जली हुई अवस्था में मिला। अंबुना हाईवे पर बुलेट व स्कूटी की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। अंबुना हाईवे पर दिलवा में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 2 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मनाली में शर्मनाक घटना, 2 साल की मासूम से हैवानियत की हदें पार। पर्यटन नगरी मनाली के सियाल में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।